गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं नवाबगंज के रामलीला में, और यह रहा नवाबगंज का रामलीला। आई मिस यू नवाबगंज का रामलीला, क्योंकि अब नवाबगंज के रामलीला का गाइस एंड हो चुका है। झूले उले सारे को सिमट चुके। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज किस न्यू व्लॉग की शुरुआत हो रही है नवाबगंज के रामलीला से। तो गाइस ये रहा नवाबगंज का रामलीला, जो कि अभी नवाबगंज के रामलीला का एंड हो चुका है, और ये रामलीला 2024 में लगेगा और 2023 का एंड हो चुका है। तो गाइस साथ ही साथ मेला की भी एंड हो चुका है, और साथ ही साथ सनसेट भी अपना वापस जाने वाला है, और मेला भी अपने घर वापस। गाइस झूले उले मेले में सारा कुछ हट रहे हैं, इधर भी बड़ा वाला भी झूला हट रहा है, सारी कुछ दुकान वकान सब समट रही है यहाँ से, और पब्लिक का अभी क्रेज कम हो चुका है। तो गाइस मेले में भी थोड़ी बहुत दुकानें लगी हुई हैं, जो कि मेले का भी थोड़ा बहुत शान बढ़ा रही हैं। तो अभी मेला पूरी तरह से हटा नहीं है, फिलहाल हट जाएगा 2-3 दिन में, और मेले में काफ़ी ज़्यादा दुकान भी हैं अभी। के रामलीले में जो दुकानें अभी 2-3 दिन और लगेंगी, और फिर इसके बाद पूरा मैदान साफ आपको नजर आएगा और दुकान वकान सब हट गए। इस बड़े वाले झूले को हटाने के लिए एक क्रेन आ चुकी है, ये हटाएगी बड़ा वाला अपना झूला। तो भाई लोगों इधर तो मैदान सफा हो चुका है, इधर भी दुकानें थी, निखर लो ही लो है पूरे झूले में। गाइस पिलर देखना कितने बड़े हैं, वो रहा अपना टोरा टोरा झूला, जो कि वो भी हट चुका है, हटा तो नहीं फिलहाल, हटा रहे हैं। क्रेन देखना गाइस कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही है। टोरा टोरा झूला गाइस इस इंजन से चलता है जो आपको सामने नज़र आता होगा। गाइस मेले की शान तो यही झूला बढ़ाते हैं, और मेले की शान। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बतख वाला झूला। क्या आप बतख वाले झूले पे बैठे हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस ये रहे बतख वाले झूले, और ये रहे साथ ही साथ हाथी वाले झूले, सारा कुछ गाड़ी में लगना है, और ये रही अपनी यहाँ नवाबगंज के रामलीला का एंड तो हो चुका है, और ये मेला आने वाले 2024 में लगेगा और 2023 का एंड है। तो गाइस मेला का तो एंड हो चुका है, और साथ ही साथ अभी हो चुका है सनसेट, और मैं भी चलता हूँ घर पर वापस। गाइस इसी ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, तो इस ब्लॉग को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को यानी सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय सो मच। अब की बार रामलीले में घोड़े बहुत ही ज़्यादा बिके हैं, और घोड़े अभी भी आपको नज़रें आते होंगे। एक घोड़ा ये रहा, और सामने रहा कुछ घोड़े ये हैं।